फाइनली अपनी बाइक पे आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुरसा। कल मैं आया था बुरसा, मैंने बुरसा का ब्लॉग वगैरह बनाया और आज मैं जा रहा हूँ वापस इस्तांबुल। और अच्छी खबर ये है कि आज फ्राइडे का मुबारक दिन है और मुझे BMW की कॉल आई थी कि आपका जो पार्ट है वो वापस पहुँच गया, तो हो सकता है आज आपकी बाइक ठीक हो जाए। लेकिन अब वापस इस्तांबुल जाने के लिए मुझे ढूंढनी है सबसे पहले यहाँ से बुरसा से बस, क्योंकि ये लेके जाएगी मुझे मुतानिया जहाँ पर इनकी पोर्ट है। तकरीबन 30 मिनट का फासला है यहाँ से और उसके बाद वहाँ से लूँगा मैं फेरी। और अभी मुझे बस का ना रास्ता नहीं मिल रहा है, या बस मिल नहीं रही है एक्चुअली। तो मैं भाग के उस स्टॉप पे जा रहा हूँ जहाँ पर उसने मुझे कल उतारा था। हो सकता है ये दूर है, लेकिन ये कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अभी लो भाई, मसला ये हुआ है कि मैं भाग भाग के बस स्टेशन पर पहुँचा हूँ। आधा घंटा मैंने बस स्टेशन पर वेट किया, बस आई नहीं। हो सकता है उसका रूट भी कोई और हो। मैंने अभी सोचा ये कि चलो यहाँ पे नाश्ता करते हैं और उसके बाद बस स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे और डायरेक्ट इस्तांबुल जाएंगे बजाय फेरी लेने के। फाइनली मैंने बस की टिकट ख़रीद ली है, ये एक पीछे खोखा था तो वहाँ से मुझे टिकट मिली है। और अभी मैंने दूसरी साइड पे जाना है क्योंकि बस जो है वो उधर से जा रही थी, मैं इसमें बैठने लगा था, वो कहता है ये तो उल्टी साइड पे जाएगी। शुक्र है मैंने पूछ लिया। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है जो उस्मान गाजी चौक, और इसके साथ ही बिल्कुल जो है वो होटल है जहाँ से मुझे बस मिलेगी। और उस बंदे ने मुझे थोड़ी बहुत हेल्प तो की यार, उसने जो बताया था। बस स्टेशन ऐसे ही था जैसे पाकिस्तान में अगर किसी बस स्टेशन पे जाओ ना तो दूर दूर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, लाहौर लाहौर लाहौर। ये भी आज इस्तांबुल और अनकरा और ये सारी इस तरफ से बसें वगैरह जाती हैं। लेकिन मैं पढ़ के गया था कि कौन सी बस लेनी है, तो पामुकाले मैंने बस ली है, ये अच्छी बस है। तो अभी मेरे ख्याल में मुझे लगेगी 2 घंटे यहाँ से जाते हुए, और क्योंकि मैंने एशिया वाली साइड पर इस्तांबुल पर उतरना है इसलिए मुझे मुसलसल गूगल मैप पर देखना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ से गुजरूँगा इनको कहूँगा भाई उतार दो अभी मुझे यहाँ पर, ये ना हो कि मुझे आगे ले जाएँ। अभी मैं जा रहा था अपनी बाइक पिक करने के लिए क्योंकि मुझे BMW से कॉल तो अभी नहीं आई, लेकिन मुझे यकीन है कि आज ठीक हो जाएगी। तो मैंने देखा कि जो मेरे बाइक के ऊपर मैंने अपने हेलमेट के ऊपर माउंट लगाया हुआ था वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। अल्लाह को प्यारा, शुक्र है कि उसका जो कुछ ख़ास टूटा नहीं है, सिर्फ उसके नीचे जो ये स्टिकी माउंट लगे हुए थे वो उतर गया है। तो अब मुझे कुछ स्टिकी माउंट तो मेरे पास एग्जैक्टली इस शेप का नहीं है, मेरे पास 1-2 एक्स्ट्रा मैं अपने साथ लेके आया हुआ था कि चलो मुसीबत के टाइम जो है ना बंदा इनको काम यूज़ कर सकता है। तो इसको मैंने इसके ऊपर लगाना है, फिट करना है, ताकि मैं अपने हेलमेट के ऊपर जो है ना इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि ये मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा। और स्टिकी माउंट जो है ना आई थिंक अगर मैं इसको काट के इसकी शेप का बनाऊँ तो गुजारा कर जाएगा, तो अभी वो करना है हमने, क्योंकि अदरवाइज़ जो चिन माउंट है वहाँ से जो क्वालिटी आती है वो हेड से या साइड से नहीं आती। तभी होपफुली कि ये आज मैं जो है ना लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। ये लग गया जी। अब इसको थोड़ी देर रखते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल GoPro की एक्सेसरीज नहीं है, ये सस्ती वाले Amazon से हैं। तो होपफुली कि ये जो है ना अच्छी तरह चिपक जाएगा और उसके बाद इसको इसके ऊपर लगाते हैं हेलमेट के ऊपर। लगा तो मैंने दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर निकालेगा। तो मेरे पास 1-2 और चीज़ें पड़ी हैं लेकिन वो मेरे बाइक का जो छोटे बैग्स हैं उनके अंदर पड़ी हैं, तो अभी तो मैं इससे गुजारा करता हूँ
लेकिन बाद में देखूंगा, अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा उतरा तो फिर जो है ना अच्छी तरह करूंगा। एक दो और मेरे पास स्टिकी माउंट है तो कुछ अर्सा हमारे पास और चल जाएगा। If you have two hours, as Suhail told me, yeah, you can pick up your bike after 2 hours. No okay. problem, my friend. Okay, perfect. Thank you so much. So finally मेरी बाइक जो है वो तैयार हो गई है और अभी मैं जाकर इसको पिक करने जाता हूँ। मैं जिस पार्ट में हूँ यहाँ से मुझे लगेंगे ऑलमोस्ट 1 घंटा, अगर मैं मेट्रो पे जाता हूँ क्योंकि मुझे बस लेनी पड़ेगी, फिर मेट्रो, फिर हो सकता है बस, और अगर मैं टैक्सी पे जाऊँ तो मुझे आई थिंक लेस देन 40 मिनट्स। अभी 3:24 हुए हैं तो 5-6 बजे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अभी अगर मैं टैक्सी भी लूँ तो शायद जल्दी पहुँच जाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ टैक्सी लूँ बजाय ये कि मैं 1.5 घंटा लगाऊँ, और मैं टैंक बैग क्योंकि उसके अंदर जो मैंने ड्रोन वगैरह के लिए बैटरीज लगाई थी वो काम नहीं कर रही, तो मैं टैक्सी पर जाऊँगा तो वो भी मैं अपने साथ रख लेता हूँ। तो लेट्स गो पिक अप द बाइक फाइनली। बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली मेरी बाइक आ गई है। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ इन्होंने रिपेयर करके भेजा है, सिर्फ एक दो चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मेरे साथ जिस बंदे ने यहाँ पे सर्विस वगैरह की है उसका नाम है दोगन, वो अभी आता है तो मैं आपकी उससे बात कराता हूँ। थोड़ा सा हेलो है बंदा कर देता है, थैंक यू बोल देता है उसको। सोहेल फराज जिसने ये सारा काम किया, एक्चुअली जो यहाँ का टेक्निकल मैनेजर, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है और वो जस्ट आई थिंक वीकेंड के लिए बाहर गया हुआ है, और वो मेन बंदा है जिसने ये पार्ट्स वगैरह जो भी सुबह शाम वो 2-3 दफ़ा मुझे फ़ोन करके अपडेट देता था। लेकिन दोगन यहाँ पे है जो यहाँ का सर्विस मैनेजर है। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दोगन, ही हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू सो मच दोगन, विदाउट योर हेल्प इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल। आई ट्राई टू डू माय बेस्ट माय फ्रेंड, या एंड द बाइक इज राइट हियर, हैव अ नाइस ट्रिप, थैंक यू सो मच। और सबसे मज़े की बात यह है कि एक्चुअली इन्होंने बाइक के ऊपर हर चीज़ जो है इसकी इंस्पेक्शन करके भेजी है, ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज, सब कुछ, और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं। सिर्फ एक मसला है कि बाइक का जो मैंने ऊपर टैंक बैग के ऊपर लगाया हुआ था जिसके ऊपर मैं चार्जिंग वगैरह करता था टैंक के अंदर, उसका जो रिले है वो कहीं किसी तरह टूट गया, हो सकता है मैंने सीट इस तरह बंद किया है कि किसी न किसी तरह वो टूट गया, तो वो इनके पास है नहीं। तो अभी मुझे किसी शॉप पे पास में ही एक इन्होंने मुझे एड्रेस बताया कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो ये रिले जो है वो चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वहाँ पर क्योंकि 6 बजे बंद हो जाएंगे और अभी यहाँ पर तकरीबन 5:15 हुए हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइनली अपनी बाइक पर आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है यार। और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही मेरी जो बाइक है इस टाइम कि इसमें तेल कितना है, वो इसलिए कि मैंने जब लास्ट टाइम चलती हुई बाइक में डाला था तो उसके बाद पता नहीं इसके अंदर अब कितना तेल है, मे बी 1-1.5 लीटर तो और होगा, 30-40 किलोमीटर तो कर ही जाएगी आराम से, उसके बाद हम इसमें डलवा लेते हैं आगे किसी पेट्रोल पम्प से। यहाँ से वो शॉप है तकरीबन 10 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचते हुए और 6 बजे वो बंद हो जाएगी, तो हमारे पास 20 मिनट होंगे, होपफुली कि वो लोग बंद नहीं करेंगे और हेल्प कर देंगे। मुझे यहाँ पे डर ही लगा रहता है कि यार कहीं गलत रास्ता ना ले लूँ, और जो मेरे चार्जर हैं वो दोनों ही माशाल्लाह जो है वो ख़राब हो गए हैं। इसके अंदर ये जो आगे लगा हुआ है इसमें ऑक्सीडेशन की वजह से काफ़ी मसला हो गया है, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, और BMW वालों के पास इसके भी चार्जर नहीं पड़ा हुआ था, चार्जर के इसकी रिप्लेसमेंट नहीं पड़ी हुई थी, तो मेरे पास अब एक्चुअली चार्ज करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसको मैंने बारिश में इतना यूज़ किया, जब बारिश हो रही थी मैं तब भी लगा रहने दिया तो पानी के कतरे अंदर चले गए, तो ऑक्सीडेशन इतनी हो गई है इरोजन वगैरह की वजह से जो है वो ख़राब हो गया है। अब उसको भी रिप्लेस करना है अगर, तो मुझे उसकी भी रिप्लेसमेंट यहाँ से मिल गई तो उसको रिप्लेस कर देते हैं दोनों को। पूछ के आता हूँ, ये तो कुछ और लिखा हुआ है इसके ऊपर नाम। मरहबा, इस अतातुर्क होते हैं सेना,
Marhaba. Atatürk Auto se na? Yeah. So actually इसके पास तो नहीं है, लेकिन इसने मुझे एक बंदा अपना साथ वाली शॉप से बुलाया था उसके पास है, वो आगे गाड़ी लेके गया है कि मैं उसको किधर गया वो बंदा, यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो इसके बाद मुझे मिलना कोई नहीं है। वो किधर गया वो, यहाँ पे था या वो इससे, वो मिल गया मिल गया मिल गया। मैंने कहा अगर ये ना मिलता फिर मसला था इसके पास। सो इससे पूछते हैं, देखते हैं कि कितनी देर लगाता है। एक मसला और है बाइक है ना, यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी इंस्टा 360 की सेल्फी स्टिक, या तो वो मेरी गिर गई है कहीं पे, और या किसी ने पता नहीं बल्गारिया में या अल्बेनिया बल्गारिया में मेरे पास थी वहाँ पे मुझे लगता है कहीं गिरी है, या किसी ने निकाल ली है जब मैंने रात को कहीं खड़ा किया है, वो भी मुझे ख़रीदनी है यहाँ से। इसने बड़ी साइंस लगाई है, रिले तो इसने चेंज कर दिया, वो मेरा सामान उड़ के जा रहा है, उसने ऊपर से टैंक जो है ना उठाया। पहले मैंने साथ लगाई हुई है एक्स्ट्रा लाइट, और एक्स्ट्रा लाइट के लिए जो एक स्विच लगाया हुआ था, तो जब उसको ऑन ऑफ करते थे मोटर को तो फिर वो चलता था। अब इसने क्या किया है, जो मेरा टैंक पैक के ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि उसके अलावा कोई और हल नहीं था, वो स्विच इसने उसी के अंदर जो है ना उसी के साथ कनेक्ट कर दिया है, कि मतलब अब अगर मोटर ऑन होगी तो फिर ही मेरा जो टैंक पैक वाला चार्जर है ना वो भी चलेगा। तो ये एक तो अच्छा हो गया, जीनियस बंदा है भाई। मैंने घर में बड़ा सोचा था इसके बारे में क्या करूं, क्योंकि मैं चाहता था कि वो स्विच से ऑन ऑफ हो, इसलिए इस तरह जो है ना मोटर पे जो है ना वो जोर नहीं पड़ता, बैटरी पे मोटर कह रहा हूँ। अभी जो है जो ऑक्सीडेशन वाला मसला है वो हल कर रहा है, और मुझे इसकी कहते हैं ना घट्टा सवा कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे बस ये कह रहा है, मुझे नहीं पता अगर तुर्की में कोई लोग देख रहे हैं बुर्दा बुर्दा, बस वो पता नहीं कहते हैं कि सब ठीक है। Yes, बुर्दा बुर्दा oldu. यार उसने मेरी दोनों चीज़ें ठीक कर दी, अब दोनों चार्जर जो है ना वो काम कर रहे हैं। मैंने उसे कहा कि यार हिसाब हिसाब को कहते हैं बिल, तो वो नहीं ले रहा, तो कहता ये मेरी तरफ से, मुझे उसके ज़्यादा समझ नहीं लगी, लेकिन मैंने उसे बताया, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से, उसने झंडा देखा बड़ा खुश हुआ, अभी उसकी शुक्रिया अदा करते हैं, मुफ्ते में आए तो मेरे काम हो रहे हैं इतने ज़्यादा, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी लेट्स गो, दो काम मेरे हो गए हैं और तुर्किश हॉस्पिटैलिटी के साथ, माशाल्लाह यार, पहले सोहेल इतना आला बंदा मिला और अभी ये बंदा जो था, चाहता तो मुझसे अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकता था। अच्छा टर्न राइट करना था, यहाँ से कर लेते हैं हम। सबसे अच्छी चीज़ जब आप इस तरह के मुल्कों में आते हो, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी होती है, जितने प्यार से और इज़्ज़त आपको देते हैं और आपसे मिलते हैं, उससे आधा जो सफ़र होता है, आप जो इस तरह का काम कर रहे होते हो, इस तरह के जो सफ़र पे निकले होते हो, सारे पैसे इसी चीज़ के होते हैं कि आप जहाँ पे जाओ वहाँ के लोगों से मिलो और वो लोग आपसे इतना अच्छा बिहेव करें विदाउट एनी इंसेंटिव्स। अगर ये चाहता तो मुझसे अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकता था, एटलीस्ट जर्मनी में ये मैंने रिले लगवाया था तो उन्होंने मुझसे लिए थे 85 यूरोज़ लिए थे, 85 यूरो सिर्फ एक रिले लगाने के। उन्होंने कहा कि हमने आधा घंटा लगाया है, तो आधे घंटे की उनकी की जो चार्ज था वो 85 प्लस 35 यूरोज़ इस रिले के थे जो कि ख़राब हो गया है। सो ट्रैवलिंग में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो इस तरह के लोग होते हैं जो आपको जगह जगह पर मिलेंगे, और मुझे ये पहला एक्सपीरियंस हुआ बल्गारिया में हुआ था, जो ईवो मुझे मिला था बहुत आला बंदा था, और यहाँ पे जितने मेरे काम थे वो तो तुर्किश लोगों आपने दिल खुश कर दिया यार, थैंक यू। और जो
एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे इन लोगों को बताना कि हम पाकिस्तानी हैं तो इतनी इज्जत करते हैं, ब्रदर ब्रदर माशाल्लाह। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस करने को मिली है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको तुर्की अच्छी तरह दिखाऊं। और अगले, अभी तो मैं बेसिकली इस्तांबुल से बाहर, जो है जो मेन तुर्की है वो इस्तांबुल से बाहर स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो दुनिया जहान से लोग आके रह रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अब वो लोग दिखाऊं, वो पार्ट भी दिखाऊं। इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हद से ज़्यादा। अगर एक साइड से दूसरी साइड जाना है तो आप जो है ना एक दो घंटे जो है ना ट्रैफिक में गुजार दोगे। उस साइड पे भी बंद हुई पड़ी है, अभी है मेन रश आवर। और मैं जब से आया हूँ रश आवर इनके जो है सारा दिन ही चलते हैं यार। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि किस टाइम ट्रैफिक कम होती है, इस टाइम तो हर रोज़ मिली है। और उसके अलावा जब भी मैंने टैक्सी लिया मैं फंस गया हूँ ट्रैफिक में। अभी मेरा प्लान ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो ओल्ड सिटी है वो बाइक पे दिखाऊं। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई आप जो है ना एक थोड़ा सा बाइक टूर भी करें। इस व्लॉग में को मैं बहुत ज़्यादा आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी व्लॉग है। इसमें सिंपल आपको ये बताऊँगा कि मैं जहाँ से गुजर रहा हूँगा कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये जगह है, ठीक है। हम चलते हैं जहाँ पर सुल्तान अहमद वाला एरिया, उसके बाद गलाता टावर वाला एरिया, ये वो सारा। तो वो आपको जो है ना मैं बाइक पर दिखाता हूँ सारा। तो अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे सुल्तान अहमद मॉस्क, सुलेमानिया मॉस्क और इनका हाया सोफिया है। सो ये आप सामने देख सकते हैं जी, पुराने ओल्ड टाउन की दीवारें हैं, अभी भी कुछ यहाँ पे हैं। कुछ जगहों पे तो इन्होंने रेनोवेट की हैं लेकिन हर जगह पे रेनोवेशन नहीं हुई। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल वाली जो वॉल्स हैं ये वो उसका एक छोटा सा पार्ट इधर है। अभी जो राइट साइड पे एरिया आएगा वो आएगा जी ग्रैंड बाज़ार, इसके बिल्कुल ऊपर है। और साथ में सुलेमानिया मॉस्क का भी पैदल जाने का रास्ता है। यहाँ पे ही मैं आया था जब सुलेमानिया मॉस्क और ग्रैंड मॉस्क सुलेमानिया मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार गए थे तो इधर से गया था। और ये आ गया जी ऑर्थोडॉक्स चर्च है, इधर मैं बिल्कुल नहीं गया। रेनोवेट इन्होंने किया, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इधर आ सकूं। इवन कि मैंने यहाँ पे काफ़ी दिन गुजारे हैं लेकिन फिर भी आप चीज़ें देखते हर रोज़, क्योंकि दो दिन तो यहाँ पे कर्फ्यू रहा था दिन के टाइम 6:30 बजे तक। तो उसके बाद मुझे जितना टाइम मिला उसमें मैंने काफ़ी कोशिश की इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने की। साइकिल वाले ने भी सर के ऊपर गोप्रो लगाया हुआ है, चेक करें। और उसने एक्स्ट्रा हेडलाइट जो है ना बैक साइड पे लगाई है कि नज़र आए भाई, कोई ऊपर ना चढ़ा दे उसके। अच्छा, इसने गोप्रो बैक साइड पे रखा हुआ है। मैंने पहले भी एक दो लोगों को देखा था कि उन्होंने जो कैमराज लगाए हैं उन्होंने वो अपनी बैक पर लगाए हुए हैं। ये शायद ट्रैफिक के लिए लगाए हैं कि अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह को खुदा ना खास्ता होता है मसला किसी के साथ तो प्रूफ हो इनके पास कि पीछे से किसी ने आके मारी है अंदर, और गलती भी उसकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुल्तान अहमद मैदान, मैदान यहाँ पे कहते हैं स्क्वायर को। तो वहाँ पे हाया सोफिया है और साथ में तोपखापी पैलेस है। अब देखना ये कि मुझे पुलिस वाले बाइक के साथ मैदान में जाने देते हैं स्क्वायर में कि नहीं जाने देते। अगर तो जाने दिया तो फिट हो जाएगा, फिर मैं 2-4 तस्वीरें भी बाइक की ले लूँगा इंस्टाग्राम के लिए। अच्छा, यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते थे, ये सिर्फ उसके लिए है, मेट्रो के लिए। आज मैंने कोशिश तो बहुत की कि आप लोगों को इस्तांबुल बाइक पे दिखाऊं, लेकिन मसला ये था कि जो सुल्तान अहमद और हाया सोफिया के एरिया है वो जो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, वो इसलिए नहीं मिल रहा था कि वहाँ पे गाड़ियों के जाना अलाउ ही नहीं था।
तो फ्रंट साइड पे है ट्रैम और उसकी बैक साइड पे पुलिस वाले बैठे थे। मैंने कोशिश की जाने की, उन्होंने कहा ना 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 इधर से तो भटकना भी नहीं, बाइक पे नीचे जाओ। और वहाँ पे ही, क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा सा वो टाइलें वगैरह इस तरह की ज़मीन पे लगी हैं पुराने दौर की, कि बाइक जो ज़रा हिल जुल रही थी, और वहाँ पे फड्डा ये हुआ कि जो मैंने हेलमेट के ऊपर आज लगा के माउंट आया था वो उतर गया। तो इसलिए जो बाकी की फुटेज थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। अभी वैसे भी यहाँ पर शाम हो गई थी, कोशिश थी कि वो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, कराची दरबार आए हैं, सेम वही रेस्टोरेंट जहाँ पे हम पहले आए थे। तो आज हमने मंगाया दोबारा निहारी और चिकन टिक्का मसाला।